ममता पर सवाल है। कारा इससे लो मासिमा? ओए तीनों मुलेर लो के दा। कि ऐसे की बोले चे? और आमा के मेरे थे। बीजेपी सियासी नब्ज पढ़ रही है। टीएमसी का मतलब ये हो गया तोड़ो मारो काटो। टीएमसी की चुनौती बढ़ रही है। जो बीजेपी कर रहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हम हल्ला बोल करेंगे बंगाल में निर्ममता पर चल रहे सियासी घमासान को लेकर। 85 साल की एक बुजुर्ग महिला के चोट के निशान को लेकर सियासत सुलग रही है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, जबकि टीएमसी कह रही है मामला घरेलू हिंसा का है। बुजुर्ग महिला की चोट के बहाने बीजेपी ममता दीदी के बंगाल की बेटी वाले नारे पर भी सवाल खड़े कर रही है। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। बहुत ही दर्दनाक घटना है ये, माँ बेटा भाइयों के झगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। कारा इससे लो मासी मा? ओए तीनों मुले लोके दा। कि ऐसे की बोले छे? और आमा के मेरे थे। ममता की माँ माटी मानुष की बिसात पर अब जंग माँ की पिटाई पर पहुँच गयी है। कोलकाता की सड़कों का ये नजारा देखिए। एक तरफ ममता की तस्वीरों से भरे पोस्टर तो दूसरी तरफ 85 साल की बुजुर्ग माँ की तस्वीर के साथ बीजेपी ममता को घेर रही है। बीजेपी ने पूरे कोलकाता को इस पोस्टर से भर दिया है। ममता बनर्जी के पोस्टर पर लिखा है बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, तो दूसरी तरफ इस पोस्टर में बुजुर्ग महिला की तस्वीर है। चेहरे पर लगे चोट के निशान खुद ही सवाल बन गए हैं। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए ममता सरकार से सवाल किया है कि क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है, आखिर इसकी पिटाई क्यों हुई। हालांकि इस पोस्टर में बीजेपी का सिंबल नहीं है। टीएमसी कह रही है मामला घरेलू हिंसा का है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। हमारे 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, बलिदान हुआ है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। टीएमसी का मतलब ये हो गया तोड़ो मारो काटो। खमाखा बीजेपी वालों को दिमागी खराब हो गया है। ये माँ बेटा भाइयों के झगड़ा है, ये अंदरूनी मामला है, घर के मामला है, इसमें पार्टी को घसीटना ये शोभा नहीं देता है। जो बीजेपी कर रहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। बंगाल की बेटी पर फिर पोस्टर वॉर छिड़ गया है। बीजेपी का आरोप है कि उत्तरी दमदम में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार पर कुछ बदमाशों ने हमला किया। इस हमले में उनकी 85 साल की बुजुर्ग माँ को भी नहीं छोड़ा गया। स्मृति ईरानी का कहना है टीएमसी के अत्याचार से अब मुक्त हो जाएगी बंगाल की माटी। बंगाल में चुनावी हिंसा के बीच नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग माँ की तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। सत्ता की राह में अब जो भी आए उसका ये हाल होगा, और ये तो माँ थी जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, फिर उसका ऐसा हाल क्यों? राजनीति में इसे जायज कोई कैसे ठहरा सकता है? राजनीति में ये कैसी शर्मनाक हिंसा नीति, और इसकी गवाही दे रही है कोलकाता की ये सड़कें। शोभा मजुमदार एक 85 साल की बूढ़ी महिला है जिनके बेटे भाजपा के कार्यकर्ता है गोपाल मजुमदार। अब दोनों का इल्जाम है कि शनिवार की रात को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसकर उनसे बदसलूकी की, उनसे मारपीट भी की, एक बूढ़ी महिला को मारा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 3 से 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है, पर भाजपा पूरी तरह से तृणमूल के खिलाफ उतर चुकी है और उनका कहना है कि तृणमूल का ही हाथ है। हम ये मान सकते हैं कि ठीक है फिर भी कार्यकर्ता के ऊपर हमला किए हो, लेकिन उसका माता जी को मारते हो, 80 साल की एक माता जी बूढ़ी एकदम, उसको कैसे बुरी तरह मारे है, ये कहाँ का संस्कृति है? संस्कृति संस्कृति करके ममता बनर्जी चिल्लाती है, क्या दल अब चला रही है? क्रिमिनल्स और रेपिस्ट और मर्डरर का दल है। दरअसल ये बंगाल में पोस्टर वॉर का राउंड 2 है। इससे पहले बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी कर बंगाल की बेटी बनाम बुआ की जंग छेड़ी। पहले आया ममता बनर्जी का ये पोस्टर जिसमें उन्हें बंगाल की बेटी बताया गया। इसके जवाब में बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं की तस्वीर का पोस्टर जारी कर लिखा बंगाल को चाहिए अपनी बेटी बुआ नहीं। ये हमारा जो तस्वीर देख रहे हैं ये बंगाल में भर घर का जो महिला लोग है, बहन है, माँ दुर्गा है, सब लोग प्रेजेंट कर रहा है जो बंगाल में सिर्फ हम दीदी नहीं है,
बंगाल में बंगाल का सब दुर्गा घर घर में जो बंगाल का महिला लोग है सब लोग दीदी के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी का जो पोस्टर है इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोस्टर में लिखा है वो पीसी को नहीं चाहते हैं, बंगाल की लड़की को चाहते हैं। तो पीसी कैसे होती है अगर वो बंगाल की माँ नहीं होती है? तो ये बंगाल को जो माँ है, बंगाल की जो जनाना है, हमारी अम्मा है, माँ है, सबको अपमान किया। क्योंकि ममता बनर्जी पीसी है तो सही, लेकिन किसी का तो बेटी है। ममता और अभिषेक बनर्जी में बुआ भतीजे का रिश्ता है, तभी बीजेपी ने इस पोस्टर में उन्हें बुआ कहा। एक पोस्टर दो निशाने। साथ ही बीजेपी ये भी साबित करना चाहती थी कि ममता का बाहरी वाला आरोप गलत है। पार्टी में बंगाल की कई महिला नेता है। बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला बांग्ला शासन करबे, गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। हम तो प्रचार करने आते हैं, बंगाल को बंगालियों ने ही चलाना है, बंगाल के लोग ही यहाँ शासन करेंगे और बंगाल के लोग ही यहाँ सुशासन प्रस्तापित। टीएमसी का इस बार चुनावी स्लोगन है खेला होबे। फिलहाल तो चुनावी हिंसा की ये तस्वीरें सबको शर्मसार कर रही है। कोलकाता से पोलोमी साहा और प्रेमा राजा राम के साथ आज तक ब्यूरो। सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु